नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। सीएम योगी की विदेशी निवेश पर आज बड़ी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज विदेशी निवेश पर आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। यूपी में विदेशी निवेश और यूपी से निर्यात वृद्धि पर यह बैठक होगी। विदेशों में तैनात भारतीय राजदूतों से मिलेंगे सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी की विदेशी निवेश पर आज बड़ी बैठक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है? सीएम योगी आज राजदूतों से मीटिंग करेंगे, बड़ी बैठक है ये विदेशी निवेश को लेकर के। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश को लेकर के, निर्यात की वृद्धि को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज विदेश के राजदूतों के साथ जो है बैठक है। इस बैठक में 1 दर्जन से अधिक राजदूतों के साथ सीएम योगी भाग लेंगे। इसमें अखिलेश मिश्रा भारतीय राजदूत आयरलैंड के रहेंगे, दिनकर अस्थाना भारतीय राजदूत लॉस के हैं, इंद्रमणि पांडे प्रतिनिधि संयुक्त राज्य जिनेवा, नगमा मोहम्मद मलिक भारतीय राजदूत पोलैंड है, अनवर अली भारतीय राजदूत थर्ड है। जैसे तमाम लोग जो है इसमें जुड़ेंगे जो विदेश के राजदूत हैं, इसमें बहुत से लोग हैं, मैक्सिको, नेपाल, भूटान, पुर्तगाल, न्यूजीलैंड, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, यूएसएफ राजदूत, बहरीन, ये तमाम जो है राजदूत विदेशी निर्यात को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आज की बैठक करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री की मीटिंग में अध्यक्षता होगी। और इन राजदूतों से लेकर के जो विदेश का आयात और निर्यात को लेकर के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बिजनेस है, व्यापार है, उसको लेकर के ये मीटिंग अहम मानी जा रही है। और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि ये शायद एक इसके पर्पज कभी इस थिंकिंग को भी लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग होगी। हो सकता है कि विदेशी जो योजनाएं यहाँ पर, जो विदेशी मॉल वगैरह है या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया जाएगा, जिससे रोजगार के शायद अवसर मिलेंगे और आयात निर्यात में बढ़ोतरी की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश से जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो सामान निर्यात होता है, उसके भी शायद कोई ना कोई योजना बनेगी, उसको लेकर के कोई नोटिफिकेशन आज आ सकता है। सीएम योगी राजदूतों के साथ रात्रि भोज भी कर सकते हैं दानिश? नहीं, देखिए अभी फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो शाम को पता चलेगा अपडेट क्या है कि अभी तो मीटिंग होनी है। और राजदूतों का शायद मेरे ख्याल से राधा मोहन की मीटिंग के बाद शायद जाइए राजदूतों की इनके मीटिंग शुरू होगी। अभी मुझे लगता है कि इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो है विदेशी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और विदेश की डिमांड को भारत में लाने के लिए, भारत की चीजें विदेश में पहुंचाने के लिए। ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को हाईटेक बनाने के लिए कुछ विदेशी चीजें हैं, जो विदेशी प्रोडक्ट है जो यहाँ पर लाए जाएंगे, कुछ विदेशी जो मॉल वगैरह हैं उनको भी शायद लाने की संभावना बढ़ सकती है। निर्यात को लेकर के ये मीटिंग होगी। ये रोजगार की दृष्टि से भी एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की दानिश। अगर विदेशी यहाँ निवेश करते हैं, कंपनियां होती हैं, तो रोजगार भी ज्यादा संख्या में युवाओं को मिलेगा। आप बिल्कुल देखिए, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है कुछ घंटों का थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ देर उसकी बात हो जाएगी। हालांकि राजदूत जो है वो सारे कंट्री को के हैं, क्योंकि मैक्सिमम 15 से ज्यादा राजदूत होंगे और राजदूतों की जो निवेश की लेकर के जो मुख्यमंत्री की बैठक है, इस बैठक में जब चूंकि निर्यात की बात हो रही है, तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में लुलू माल के बाद शायद और भी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश को लेकर आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। जी शुक्रिया दानिश, आपका, बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश सरकार ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण जिले और मंडल स्तर पर कराएगी। इसके लिए डीएम और कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपेंगे। सौंपते हुए कहा गया है कि वो स्थलीय दौरा करें और निर्माण कार्य को देखें। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में एक तकनीकी सेल बनेगा। इसमें मुख्य विकास अधिकारी डीएम द्वारा नामित अधिशासी अभियंता और प्रशासकीय विभाग का जिले में वरिष्ठतम अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इसकी बैठक हर महीने होगी। बैठक में कॉन्ट्रैक्टर और प्रोजेक्ट सलाहकार बुलाए जाएंगे। इसमें परियोजना की समय सारिणी के हिसाब से काम की प्रगति, गुणवत्ता, थर्ड पार्टी की रिपोर्ट का भी ब्यौरा देना होगा। निर्माण में कोई बाधा आने पर उसका निराकरण भी कराया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को कोई लापरवाही सामने आने पर उसे शासन को अवगत कराना होगा। इसमें मंडलायुक्त से कहा गया है कि वो मंडल स्तर पर ईपीसी मोड वाली परियोजना की मॉनिटरिंग करें। बैठकों में ड्रोन द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है? ईपीसी मोड वाली परियोजना पर मॉनिटरिंग की जाएगी जी? उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसको लेकर के एक आदेश जारी कर चुकी है। ये करप्शन को लेकर के सरकार 2.0 में काफी गंभीर थी और उनका 2.0 में आने के बाद एक स्टेटमेंट था या एक वादा किया जाता था कि हम किसी प्रकार के निर्माण कार्य हो या करप्शन हो उस पर ध्यान भी नहीं उठेंगे, उस स्कैम को हम खत्म करेंगे। इसको लेकर के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने ये आदेश जारी किया है कि जो ठेकेदारों द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जाता है उसकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी, यानी कि उस पर जो धांधली होती थी, पीली ईट वगैरह है, या जो निर्माण कार्य में जो गुणवत्ता में कमी देखी जाती थी, जो प्रोडक्ट में माल जो सही होते थे वो कुछ कमी बेसी होते थे, उन चीजों को लेकर के जो शासन आदेश जारी किया है तो डीएम मिश्रा ने साफ साफ लफ्जों में आदेश कर दिया है कि उसकी जिम्मेदारी जो है कमिश्नर और डीएम की होगी। यानी ठेकेदार की ढिलाई अगर सामने आएगी तो शासन को उनको बताना होगा, और उसमें लापरवाही अगर पाई गई तो फिर डीएम और कमिश्नर पर कार्रवाई होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन बोर्ड में जो कराए गए निर्माण है उनकी गुणवत्ता का परीक्षण मंडल स्तर पर कराया जाएगा, जिसके लिए डीएम और कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा गया कि वो दौरा भी करेंगे और निर्माण कार्य को खुद जाकर देखेंगे। अमूमन अक्सर ये देखा जाता था कि कोई छोटा निर्माण हो, सड़क निर्माण हो या टेंडर हो या नाली नीचे का निर्माण हो, तो उसमें अक्सर जो अधिशासी अधिकारी या जेई अभियंता देखे जाते थे, लेकिन इसमें एक आदेश हुआ है कमिश्नर खुद जाकर के देखेंगे, डीएम खुद जाकर गुणवत्ता को परखेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन में देंगे कि ये गुणवत्ता सही है या नहीं सही है। अगर वो सही है तो ठीक तो नहीं है तो इस पर कार्रवाई होगी, कि अगर वो नहीं देना चाहते। इसलिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र संबंध में शासन ने दर्ज जारी किया है और ये शासन आदेश की कॉपी सभी मंडल आयुक्त को और सभी डीएम को पहुंच गई है। जी दानिश, बैठकों में ड्रोन द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी? मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जो मुख्य विकास अधिकारी है, डीएम द्वारा मनीषण अधिकारी है, सब जिले में वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य होंगे। इसकी बैठक हर महीने होगी, हर महीने बैठक में कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट सलाहकार बुलाए जाएंगे। इसमें परियोजना की समय सारणी के हिसाब से काम देखा जाएगा, उसमें जो थर्ड पार्टी की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जो पूरे काम की मॉनिटरिंग होगी, यानी तीसरी पार्टी भी इसमें संज्ञान लेगी, उसके मॉनिटरिंग होगी। निर्माण कार्य में बाधा आती है तो उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर भी कोई जाता हुआ सामने को शासन को अवगत कराना होगा डीएम और मंडल आयुक्त से। मंडल स्तर पर ईपीसी जो मोड वाली परियोजना की मॉनिटरिंग है उसको करना होगा, और बैठक में ड्रोन यानी ड्रोन कैमरे द्वारा भी मॉनिटरिंग होगी, क्या कार्रवाई हो रही है, उन्होंने क्या कार्रवाई की। ये एक सरकार की मैं बहुत अच्छी पहल है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कहा था कि करप्शन को लेकर वो गंभीर है, गंभीरता को लेकर जो सरकार की जो पहल की, ये पहल अच्छी है। इसमें कहीं ना कहीं जो विकास होते थे उत्तर प्रदेश की, आप भी देख सकते हैं कि अभी भी उत्तर प्रदेश कई जिलों से पिछड़ा हुआ राज्य माना गया है। अभी भी उत्तर प्रदेश कई विकास के मामले पिछड़ा था, टूटी सड़कें हो, बदबूदार नालियां हो, तमाम को लेकर के गाँव की स्थिति अभी देनी, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है ये आदेश बहुत ही सर्वोपरि, मुझे लगता है कि इसका स्वागत करना चाहिए और इसके काम को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री को शायद इस पे सख्ती से गंभीरता से काम लेना होगा और बिल्कुल इनको मोटिवेट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल दानिश, शुक्रिया आप बहुत बहुत जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर, बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर के किया मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी बैठक की है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह बैठक में मौजूद रहे, प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई थी यह बैठक। यूपी चुनाव निकाय को लेकर के बड़ी बैठक की गई है जिसमें प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर के मंथन किया है, यूपी निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ गए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट है यूपी निकाय चुनाव को लेकर की ये बड़ी मंथन की गई है, बड़ी बैठक की गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी निकाय चुनाव होने हैं और निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी आज इसमें जो है अपना मतदाता इन्होंने कार्यक्रम किया है, जिसमें बूथ को लेकर के उन्होंने भी कमर कसी है। लेकिन बीजेपी ने इससे 3 दिन पहले इसमें बूथ सम्मेलन को लेकर के अपनी कोशिश शुरू की थी कि जो फर्जी मतदाता है उनको आउट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ऐसा लगता है कि शायद निकाय चुनाव में जिनकी सीटें कम आ रही हैं या उसके पीछे एक कारण फर्जी मतदाता का होना है, और जो बूथ लेवल का मामला है वो कहीं ना कहीं कमजोर, उसको मजबूत करने का प्रयास लगातार जो है बीजेपी पार्टी कर रही है। जिस तरीके से राधा मोहन राय को यूपी में बुलाया गया है और सीएम आवास पर राधा मोहन राय पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम उनके साथ केशव मौर्य और धर्मपाल सिंह मंत्री उनके साथ मौजूद है,
हालांकि भूपेन्द्र चौधरी भी सीएम आवास में मौजूद है। सीएम आवास पर जो कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई है उस बैठक में अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। कोर कमेटी की बैठक में जो गोला विधानसभा का चुनाव है उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी ने इससे पहले जो रणनीति बनाई थी वो फर्जी मतदाताओं को आउट करने की रणनीति थी, जो इस बार फर्जी मतदाता होंगे वो इस बार दानिश इस बैठक में क्या जिला के जो पदाधिकारी हैं वो भी शामिल थे या केवल बड़े जो प्रदेश के नेता हैं वही शामिल थे? नहीं, जिला स्तर पर तो पहले भी देखे मीटिंग चार दिन पहले की गई थी, मैंने बताया था कि उसमें जिला स्तर लेवल करके जो जिम्मेदारी बांटी गई थी वो जिला स्तर पर सबको नमित किया गया था कि किसकी क्या जिम्मेदारी किस जिले में रहेगी। लेकिन जो आज की मीटिंग हुई स्टेट लेवल की, राधा मोहन सुधा है, डिप्टी केशव मौर्य है और संगठन मंत्री रामपाल सिंह है, भूपेन्द्र चौधरी है, जिसके आवास पर सीएम आवास पर मीटिंग यानी मुख्यमंत्री रूप में कैबिनेट है इनके साथ शामिल है। और आप देख सकते हैं काफिला इनका जो है वो सीएम आवास से जा रहा है। काफिला ठीक 5 बजे पहुंचाएंगे काफिला वहां पर। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में क्या अपडेट आता है ये तो मीटिंग से बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग मीटिंग के वहां सीएम कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी अपनी कमर किस तरीके से निकाल चुनाव को लेकर इसका उससे अंदाजा हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी कोई भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होगा निकाय चुनाव का, क्योंकि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ रही। बिल्कुल दानिश बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश बाराबंकी में एक बार फिर बेलगाम सांसद का ऑडियो वायरल हुआ है। दरअसल बाराबंकी से पहली बार लोकसभा सांसद बने उपेंद्र रावत अपनी बदजुबानी के लिए प्रसिद्ध हैं। शारदा खंड के सहायक अभियंता संजय गुप्ता को अपनी संसदीय क्षेत्र के हैदरगढ़ के कांदुपुर गांव से फोन किया। सांसद ने कहा कि तुमको मैंने 5-6 बार चिट्ठी लिखी लेकिन तुम इस महत्वपूर्ण कांदुपुर पुल का एस्टिमेट नहीं बनवा रहे। जिस पर अभियंता संजय सिंह ने कहा है कि कौन कह रहा है साहब। उसके बाद सांसद ने कहा कि यहाँ मौके पर कब आओगे, सारी जनता खड़ी है। अभियंता संजय बोले, सर मैं काम छोड़ करके अभी आ जाऊँगा। वैसे वहाँ मेरे विभाग के बड़े साहब अधिशासी अभियंता और जेई मौजूद हैं। जिसके बाद सांसद नाराज हो गए और सहायक अभियंता के साथ अभद्रता से बात करने लगे। हेलो जी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार कहाँ हो भाई, आज यहाँ बुलावा करा है उन्हें? नहीं सर, हमको तो पता पता चला बड़े साहब गए हैं, छोटा और जेई साहब गए हैं, दोनों लोग गए हैं। मैं सर लगा हुआ हूँ पत्रकार के पास। हमारे यहाँ 14-15 समितियों का वो है मीटिंग हुआ था, उसका टेंडर निकालना था साहब। अहम लगे हो टेंडर वो समिति के नहरों का? अच्छा, तो ये कानूपुर का पुल बहुत महत्वपूर्ण पुल है, इस पर हमने कई बार चिट्ठी लिखी है और तुमका चिट्ठी 5-6 लिखी गई है लेकिन एस्टिमेट नहीं बना रहे उसका। कौन कह दिया साहब हम स्टूडेंट नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ कब आओगे, पुल पे कब आओगे? सर मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा साहब, बंद कर देता हूँ सब काम, आ जाता हूँ। कब आइए? बस अभी आ जाता हूँ साहब, बताएं सर। कितना टाइम लगेगा सर? कितना दूर है यहाँ से? करीबन 17-18 किलोमीटर है ना, 18 किलोमीटर है। ऐसा है सर, मैं अभी निकलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। मैं इन्हीं के पास बैठा था, पत्रकार लोगों को बुलाया था मैं देने के लिए, कागज बन ही गया है, दे भी दिया हूँ इन लोगों को। आ जाता हूँ सर मैं, बस निकल। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लगेगा हमको लगता है, 15-20 मिनट सर। मैं ऐसा है, आज 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 ना ये, क्योंकि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है सर, अगले दिन कोई टाइम रख लीजिए, तब भी हो। चाहे आवास पे सर? नहीं आवास पे नहीं, यही पुल देखेंगे। जनता यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं ना, परेशान है बहुत दिन से, तो यहाँ सर गए हैं ना अधिशासी अभियंता महोदय, गए हैं यही गए हैं सर। अधिशासी अभियंता की बात अब न करो तुम, ठीक है? हेलो सर, हाँ तुम्हारा क्षेत्र है? ठीक है सर, आ जाएंगे सर। आप हमको दिन बताओ किस दिन आओगे? सर मैं तो रोज रहता हूँ सर, आप जब कहेंगे तब आ जाएंगे। नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते, मारते भी बहुत हैं सर। मैंने इतना दिन बताओ, हमको दिन बताओ किस दिन आओगे, ये खाली इतना बता दो। जब कहेंगे मतलब तुम्हारे पास मैसेज जाएगा, तुम आओगे नहीं? सर मैं कहीं फंसा हुआ था साहब, मुझे पता चला फोन है, घुसने देंगे, ताला लगा देंगे, वहीं बैठेंगे आकर के तुम्हारे ऑफिस के सामने, विधायकों के टिकट कटवाते हो तुम। हम क्यों कटवाएंगे साहब,
बताया ना, रामनरेश रावत का टिकट कटवा दिया तुमने? हम क्यों कटवाएंगे साहब? आओगे किस दिन ये बताओ पहले? सर जब बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा साहब। ये तुमको 6 चिट्ठी लिखी गई है और इसका नहीं कर रहे हो। ये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये सड़क बन रही है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बन रही 20.5 किलोमीटर की हमने कराई, उसमें चूना लगा रहे तुम। संवाददाता ऋषभ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या कुछ जानकारी है सांसद ने सहायक अभियंता से अभद्रता की है? बाराबंकी के त्रिवेदीगंज विकासखंड क्षेत्र का है, जहां एक जर्जर पुल है जिसको लेकर सांसद ने एक साल में 6 बार तक लिखा गया सहायक अभियंता व और उस पर कोई भी सुनवाई नहीं जी। वही रविवार को सांसद उसी पुल के पास एक सड़क के लिए पहुंचे हुए थे तो ग्रामीणों ने उस मुद्दे को उठाया तो जिस पर सांसद जी पर उन्होंने मौके पर ही शायद संजय गुप्ता को फोन मिलाया और सत्ता मिल गई, जिसके बाद संजय गुप्ता ने आगे जो है वायरल कर दिया था देखो और अपनी जो है सुरक्षा को लेकर प्रशासन ध्यान की है। ऋषभ, ये अभियंता के साथ जिस तरीके से अभद्रता की है बेहद ही निंदनीय है। ये एक नेता को इस तरीके से बात करना, शुक्रिया ऋषभ आपका बहुत जानकारी के लिए। अगली खबर सितारगंज से है, जहां बाल विवाह मुक्त भारत के लिए शिक्षकों और छात्राओं ने जागरूकता मशाल रैली निकाल बाल विवाह नहीं करने का संदेश दिया। ये रैली वार्ड नंबर 5 स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय से प्रारंभ होती हुई कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर के गुजरी। इस दौरान कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं ने बाल विवाह रोकने से जुड़े नारे भी लगाए। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी DS राजपूत ने बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, उसमें भारत भर में होने वाले बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने को लेकर के ये जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। जागरूकता से ही सदियों से चला आ रहा बाल विवाह की प्रथा को समाप्त किया जा सकेगा। जन जागरूकता बढ़ानी है, जन सहयोग चाहिए हमें, जनता के अंदर ये जागरूकता देनी है कि बाल विवाह एक अपराध है, बाल विवाह बंद किया जाए ताकि हमारा बाल विवाह से जो करप्शन हो रही है ये बंद हो जाए और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण हो। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार और ये हमारे विभाग का भी ये उद्देश्य है कि भारत में बाल विवाह हर हालत में बंद होने चाहिए, भारत को बाल विवाह मुक्त किया जाए। इसी संदर्भ में हम लोग ये आज मिलकर के वार्ड मेंबर हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जी हैं और हमारे प्रिंसिपल हैं, बच्चे हैं, ये सब शिक्षा विभाग मिलकर के ये मशाल जुलूस और कैंडल जुलूस शाम को निकाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिलकर आ पा रही है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ये अभियान चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जो है सतारगंज क्षेत्र में जो है इसका जो है प्रदर्शन किया गया है और जो है इसमें काफी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इकट्ठी हुई है और जो है इसको लेके जो है जुलूस जो है कस्तूरबा गांधी से निकाला गया है और इसमें काफी संख्या में जो है लोग इकट्ठे हुए हैं जी। कब से स्टार्ट किया गया है ये अभियान और कब तक चलेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है सितारगंज विधानसभा में जो है लगातार जो है इसमें एक बैठक की गई थी कुछ दिन पूर्व। एक जो सितारगंज का राजकीय इंटर कॉलेज पड़ता है, यहाँ पे सभी लोगों की बैठक की गई, इसमें कुछ भाजपा के नेता थे और जो है कुछ इसमें जो है यहाँ के प्रधानाचार्य थे और जो है सभी लोग एकत्रित हुए, उसको लेकर जो है एक मीटिंग की गई थी। उसके बाद जो है कल जो है मतलब जो है जुलूस जो है रात को निकाला गया है जी। ये क्या अभियान केवल आज तक का था या फिर ये निरंतर चलता रहेगा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानाचार्य जी से जो राजकीय इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे जो है बातचीत हमारी हुई थी तो उन्होंने बताया कि हमने जो अभियान छेड़ दिया है और ये जो अभियान जो है आगे भी जो है चलता रहेगा।
जी जी शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए दीपक। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।